నమస్కారం. నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మన కుటుంబ క్షేమాన్ని కోరుతూ మహిళలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు పూజలు చేస్తుంటారు. కరవా చౌత్ కూడా అలాంటిదే. ఉత్తరాదిన ఎక్కువగా జరుపుకునే ఈ పండుగను ఇప్పుడు దక్షిణాదిన కూడా కొంతమంది జరుపుకుంటున్నారు. రోజంతా ఉపవాసం చేసి సాయంత్రం జల్లెడలో చంద్రుని చూసి ఆపై భర్త ముఖాన్ని చూసి దీక్ష విరమిస్తారు అతివలు. ఇటు ఆనందాన్ని అటు ఆధ్యాత్మికతను పెంచే ఈ పండుగ ఆలు మగల మధ్య అనుబంధాన్ని దృఢం చేస్తుందని చెప్తున్నారు నిపుణులు. మరి అదెలాగో మనం కూడా తెలుసుకుందాం. ఇక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నవ్యాలో ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చూద్దాం. नमस्ते, हैप्पी दिवाली. कैसे हो आप सब लोग? सो लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने दिया का एक पीस बनाया था 21 इंचेस का, और आपको मैंने बताया था कि आप घर पे बैठे बना सकते हो दिए, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो. तो अभी मैं दूसरा पीस बना रही हूँ आपके सामने. तो नारियल हमारा ब्राउन कलर होता है, पान की पत्तियाँ हमारी ग्रीन होती है, कलश है, कलश को कोई भी हम लोग कलर कर सकते हैं, और ये स्टैंड है दिए का. तो इसमें अभी मैं क्रिएटिविटी करती हूँ आपके सामने और दिखाती हूँ कि हम लोग और कैसे आगे क्रिएटिविटी कर सकते हैं. अब देख सकते हो ब्राउन कलर है, सेम नारियल का कलर दिखेगा ये करने के बाद. अभी आप देख रहे हो मैं इस पर कलर कर रही हूँ, सेम कलर दिखने के बाद आपको वो नारियल का कलर ही दिखेगा. पान के पत्ते होते हैं हमारे ग्रीन कलर के, तो हम ग्रीन यूज करेंगे. ब्राउन हो गया, अब हम लोग ग्रीन स्टार्ट करेंगे. थोड़ा आराम से लगाना क्योंकि पत्तियां शेप में है तो कलर दूसरे चीज पे ना लगे, डबल मेहनत हो जाएगी. एक कलर साफ करोगे दूसरे कलर लगेगा, टाइम नहीं है हमारे पास उतना. तो हम लोग पेशेंसफुली करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस बढ़ेगा और पीस अच्छा निकलेगा. सी, नारियल रेडी है, ग्रीन पत्तियां रेडी है हमारी. अभी हम जाएंगे नीचे कलश पे लगाने के लिए. So that is, I'll take pink color again. Pink अच्छा लगता है तो pink ही लगाती हूँ मैं. Pink लगाते समय थोड़ा ध्यान देना क्योंकि हमारी पत्तियाँ इन दोनों के बीच में हमें कलर लगाना है, तो थोड़ा आराम से संभाल के ताकि कलर लगे ना किसी और को. लास्ट टाइम थाली के लिए मैंने बताया था कि माता की मूर्ति बीच में रख सकते हैं. जैसे हम लोग दिवाली पूजा में कलश का महत्व ज़रूरी है, तो हम लोग बाहर से लेके आए तांबे का या स्टील का, तो मिट्टी का हम लोग कलश भी रख सकते हैं. उसके साथ आपको नारियल भी मिल चुका है, पत्तियाँ भी मिल गई, दिए भी मिल गए, तो कलश भी अच्छा लगेगा और डिस्प्ले भी अच्छा होगा. पूजा का सामान भी आपका रेडी हो गया, तो अलग से फिर आपको कलश लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कलश तो लगा लिया, नारियल भी आ गया. हाँ, अगर आपको चाहिए अलग से रखना है तो आप रख सकते हो, दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, अभी हम लोग ने ऐसे कलश पे पिंक लगा लिया. अब दिए पे, दिया जनरली ब्राउन कलर करूँगी मैं, और नीचे जो ये बेस है वो ब्लू, और एज़ यूजल दिवाली है गोल्ड, तो गोल्ड तो मेरा फेवरेट है, तो आई विल गो विद गोल्ड ओवर हियर, ब्लू और ब्राउन. तो मैं आपको ब्राउन कलर दिखाती हूँ कैसे करना है, उसके बाद फिर ब्लू लगाएंगे, फिर ये बॉल्स पे हम लोग गोल्डन इफेक्ट देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें कुछ भी. फिर मैं आपको एग्जैक्टली पीस बताती हूँ कि कैसे दिखेगा वो. ऑलमोस्ट तो अच्छा ही लग रहा है पीस, पर थोड़ा और लुक्स डालूँगी मैं उसमें तो बहुत अच्छा दिखेगा. आप भी ट्राई कीजिए, घर पर मटीरियल लेके आइए, बाहर पैसे मत डालो, अपना हुनर दिखाओ, आपके लिए अच्छा है. नारियल कर चुके, पत्तियाँ रेडी है, कलश रेडी है, अभी हम लोग दिए पे लगाएंगे. ऐसे दिए का थोड़ा शेप देख लेना कलर के लिए, क्योंकि
कलश को लगे ना, क्योंकि पिंक कर चुके हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर। तो बेस बना दो, अंदर एक हाथ घुमा दो ऐसे। अब हम ब्लू पे जाएंगे। ब्लू पूरा करना है क्योंकि ये स्टैंड है, तो पूरा हाफ इसमें करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगता है, और अगर मैंने एक साथ सब कर लिया तो पूरा मर्ज हो जाएगा इसका कलर, इसको लगेगा क्योंकि मुझे पकड़ के करना पड़ेगा, तो मेरे फिंगर्स पे कलर लगेगा तो दिए पे भी लग जाएंगे। तो सूखने के बाद ये आधा है और ये आपके सामने है। दियों के बीच में मैंने मिरर्स लगाए हैं ताकि इसमें लुक्स अच्छा लगे। एज़ यूजल गोल्डन इज़ माई फेवरेट, इसमें गोल्डन लगाए हैं, लीफ पे थोड़ा लुक्स दिया। और गणेश के बगैर तो हमारी पूजा अधूरी है, तो गणेश को तो निकालना ज़रूरी था, तो मैंने गणेश यहाँ पे निकाला है। इन द सेंस गणेश का पिक्चर स्वास्तिक बोल सकती हूँ क्योंकि काफ़ी जने गणेश बोलते हैं, काफ़ी जने स्वास्तिक बोलते हैं, तो मैंने दोनों बता दिया कि गणेश कंफ्यूज ना हो इसके लिए। तो देखो रोटेट करने के बाद वो कितना मस्त लग रहा है। पीस देखिए आप, इसमें मिरर्स दिखेंगे आपको साइड में, अंदर बॉल्स पे गोल्डन है और हाईलाइट किया हुआ है, तो कितना मस्त लग रहा है ये आपको पीस। घर बैठे कलर कीजिए, अपना हुनर दिखाइए दुनिया को, और अपने आप को भी खुश रखो अंदर से। जो दिमाग में है, जो दिल में है, वो इन चीज़ों पे निकालिए, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में कुछ हुनर है। ప్రణవ్యాలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం.